के ये चार पैटर्न्स सो यो काशिरा और राशि, इन चार पैटर्न्स को लेके स्टूडेंट्स में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इनका यूज़ कैसे होगा, क्योंकि सभी पैटर्न्स बहुत ही सिमिलर पैटर्न्स लगते हैं। तो आइए आज इन सब का मीनिंग, उनमें डिफरेंस और इनकी यूजेज को एक बार सीख लेते हैं, ताकि आपको आगे जाके JLPT में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। वेलकम टू Nihongomax, माय नेम इज रवि। सो लेट्स स्टार्ट। पैटर्न नंबर वन, यो। सबसे पहले हम यो और सो, इन दोनों पैटर्न्स का मीनिंग जानते हुए इनको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक बहुत ही बेसिक बात याद रखनी है, चाहे N5 है चाहे N4 है, क्योंकि मैं N3 N2 की भी जब ट्रेनिंग लेता हूँ तो भी उनको कन्फ्यूजन रहता है कि यो और सो में क्या डिफरेंस है। तो पहले डिफरेंस देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। यो, पहले इनका मीनिंग देखिए, दोनों का मीनिंग होता है ऐसा लगता है, इट सीम्स, या फिर इट मे बी, या फिर इट कैन बी। लेकिन बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है, जो कि इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं बता पाएगा, वो ये है कि यो हम तब बोलते हैं जब मैंने, जैसे मैं स्पीकर हूँ, तो मैंने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन से, अपने ही फीलिंग से, अपने ही देखने से या फिर अपने ही सुनने से इस बात को गेस किया है। जैसे तनाका सान व आश्ता कोनाई यो दिस, यानी कि तनाका सान कल शायद नहीं आएंगे, यानी कि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे अपीयरेंट है। अब बात करते हैं सो की। सो भी वही है, आप यहां पर सो भी लगा सकते हैं, जैसे कि तनाका सांवा आश्ता कोनाई सो देश। लेकिन इस मीनिंग भी इसका बल्कि सिमिलर ही है कि भाई कल शायद तनाका सान नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सो जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैंने ये बात कहीं से सुनी है, वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकती है, कोई मेरा दोस्त भी हो सकता है जिसकी मैंने वो बात सुनी है। तो वो सुनी हुई इन्फॉर्मेशन जब मैं बोलूंगा तो सो लगाऊंगा, और यो मैं तब लगाऊंगा जब मैंने कहीं से सुना नहीं है, मैंने खुद गेस किया है अपनी खुद की एबिलिटी से, अपने खुद के देखने या सुनने से। बस ये इतना सा डिफरेंस होता है। हालांकि डिफरेंस बताने के बाद हमेशा मैं क्लास में बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आप अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्या है नहीं भी सोच के, पहले आप इसका मीनिंग याद करके इसको प्रॉपर यूज़ करना सीख जाते हैं, तो बस उतना ही काफ़ी है। ये प्लेन फॉर्म के साथ लगता है, याद रखिए, इसी से ही आपका N4, N5 बल्कि N3 तक का काम चल जाएगा। आगे जाके जब थोड़ा सा प्रोफिशिएंट होंगे काइवा में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सो है तो ये कहीं से सुन के इन्फॉर्मेशन आई है इनके पास, या फिर यो है तो ये खुद ही सोच के, खुद ही गेस करके इसको बता रहे हैं। और एक बात और, कि अगर मीनिंग हमें पता भी चल जाए, सॉरी डिफरेंस अगर हमें पता भी चल जाए, तो भी उस डिफरेंस से ज़्यादा आपके JLPT पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले मीनिंग को ही याद करिए, इन दोनों का मतलब होता है इट सीम्स या फिर आई फील लाइक, आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे पैटर्न नंबर 3 काशिरा और पैटर्न नंबर 4 राशि। पहले हम राशि को डिस्कस करते हैं। देखिए, राशि जो है वो सो से बिल्कुल मिलता जुलता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि राशि और सो बराबर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि राशि में भी बिल्कुल ही सेम गेसवर्क होता है, किसी की बात को सुन के या टीवी को देख के या न्यूज को पढ़ के या अखबार को पढ़ के। राशि और सो बराबर ही हैं, आप ये अगर याद रख लेंगे तो आपका N2 तक का काम चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं काशिरा की। काशिरा थोड़ा थोड़ा यो से मिलता जुलता है। इसमें आपका खुद का गेसवर्क होता है, या आपने खुद देखा होता है, खुद समझ के आप उसको बोल रहे थे कि शायद ऐसा है। और काशिरा जो है ये यूजुअली वुमेन के द्वारा बोला जाएगा, मेल्स के द्वारा नहीं बोला जाता है। तो बस इतनी सी ही बस बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हैं, और फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में एंड में मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस उसी इन्फॉर्मेशन से आपका आराम से JLPT N2 तक का काम चल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पढ़ाई, सर्च करना, लोगों से पूछना, बुक्स को रीड करना, इस सब में एनर्जी मत गवाइए। बहुत सारी एनर्जी लोग इसी में गवा देते हैं, वो दोकाई और चोकाई को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एंड में, जब एग्जाम होने में सिर्फ दो हफ्ते या एक हफ्ता ही रह जाता है, तब वो सोचते हैं चलो अब मैंने काफ़ी पैटर्न्स और वोकैबुलरी कर लिया, अब मैं दोकाई करता हूँ, ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, चलो मैं एक रीड करके देखता हूँ, ठीक है थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, एग्जाम में भी मैं कर ही लूँगा, एग्जाम फेल हो जाता है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिए कि इन पैटर्न्स को, जैसे मैंने भी आपको 5 मिनट में ही बता दिया है, उसी तरह से बस चाहे तो इसको वीडियो को 2-3 बार देख के याद कर लीजिए। अभी जो सेंटेंस एग्जाम्पल्स आने वाले हैं उनको प्रैक्टिस करिए, बस इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासोकोन नो गुआइगा वारुयो देस। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे कि मैंने बताया कि यो जो है वो प्लेन फॉर्म के साथ है, तो ये प्लेन फॉर्म क्या होती है? प्लेन फॉर्म जैसे ई एडजेक्टिव है तो ई की वैसी की वैसी प्लेन फॉर्म रहेगी, जैसे ओइशी ओइशी, वारुई वारुई, तोई
तोई, चिकाई चिकाई। और अगर ना टाइप एडजेक्टिव है तो उसकी प्लेन फॉर्म जो है वो ना या फिर नो के साथ अटैच होती है, जो कि एडवांस लेवल में आता है। तो फिलहाल हम इन दो एग्जाम्पल से सीखते हैं, जो कि ए एडजेक्टिव और वर्ब का एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है। पासो कोन नो गुआई गा वारु यो दिस। गुआई, गुआई का मतलब होता है कंडीशन। पासो कोन नो गुआई यानी कि पीसी की जो कंडीशन है, वारु यो दिस, इट सीम्स के वो खराब है। यानी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन देख के सुन के अपने अपीयरेंस, अपने गैस वर्क से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीसी की कंडीशन खराब हो गई है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि यो पैटर्न जो है वो देख के सुन के या अपने गैस वर्क से पता चलता है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए। नेकोगा मिरकुओ नोमानाई यो दिस। नेकोगा मिरकुओ नोमानाई यो दिस। अगेन नोमीमास पीना, नोमीमास ना पीना, नोमानाई जो है वो प्लेन फॉर्म है ना पीना, यानी कि नॉट टू ड्रिंक, नॉट टू हैव। तो इजी सा सेंटेंस है, आपको समझ आ गया होगा। नेकोगा मिरको नोमानाई, बिल्ली जो है वो दूध नहीं पी रही है या नहीं पिएगी। नोमानाई यो दिस, इट सीम्स, ऐसा मुझे लग रहा है कि बिल्ली दूध नहीं पिएगी। यो दिस जो है वो, ये सबसे पहला यूज है, ये सबसे बेसिक यूज है, ये N4 N5 में बहुत आता है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। N3 N2 में भी आता है, लेकिन N3 N2 में यो का एक और यूज आता है, यो नी या फिर यो ना, वो एडवांस लेवल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो, तो सो भी जो है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ऐसा पैटर्न है जो कि आपने कहीं से देखा है, सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है या टीवी में देखा है या मैगजीन में पढ़ा है, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को किसी को बता रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा है या मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है। आशितानो तेंकी गा योकुनाई सो दिस। आशितानो तेंकी यानी कि कल का जो वेदर है, कल का जो मौसम है, योकुनाई यानी कि अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने कहीं से, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है या कहीं टीवी में देखा है, वेदर रिपोर्ट में देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं योकुनाई सो दिस। आई हर्ड दैट टुमारोज वेदर इज नॉट गुड। कोचोगा क्यों जुग्योनी कुरु सो दिस। यानी कि ये भी एंड में सो आया है, तो इसका मतलब कि मैंने कहीं से सुना है या मुझे किसी ने बताया है कि कल प्रिंसिपल क्लास में आएंगे। को चो, प्रिंसिपल, को जो है वो गाको का को है यानी कि स्कूल, और चो का मतलब होता है हेड, जैसे तेन चो, को चो, तो स्कूल हेड यानी कि स्कूल प्रिंसिपल। गा क्यों जुग्योनी कुरु, आज क्लास में आएंगे। कुरु सो दिस, ये प्लेन फॉर्म के साथ लगेगा, मैंने अभी आपको जैसा बताया था वैसे आपको याद रखना कि प्लेन फॉर्म के साथ लगेगा, और इसका मतलब है कि वो क्लास में आएंगे, ऐसा मैंने कहीं से सुना है। एक चीज और, काफी बच्चे इसको बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखे हुए आई हर्ड, तो हमेशा स्टूडेंट सोचते हैं मुझे भी ना ऐसे ही ट्रांसलेट करना है आई हर्ड। कभी कभी ज्यादातर यो या जो सो पैटर्न है वो डिलीट भी हो जाते हैं। डिलीट का मतलब है ट्रांसलेशन में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी कहेंगे कल का वेदर खराब है, तो ऑब्वियसली ये कहने से ही पता चल रहा है कि मैंने कल का, तो फ्यूचर कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन मैंने ये कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है, तभी मैं ये कह रहा हूं। तो इस तरह से ट्रांसलेशन में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे सेकंड सेंटेंस में दिया है कि कल प्रिंसिपल हमारी क्लास में आएंगे, सॉरी आज प्रिंसिपल हमारी क्लास में आएंगे, तो ये भी फ्यूचर फॉर्म है। तो फ्यूचर मैंने, मुझे नहीं पता है, यानी कि ऑब्वियसली मैंने कहीं से देखा है, कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है। तो ज्यादा, बहुत ज्यादा इसमें फोर्स ना लगा के, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करके, इन दो तीन सेंटेंसेस से ही प्रैक्टिस करके आगे बढ़ के दोकाई से ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फटाफट से काशिरा और राशि दोबारा बता देता हूं कि जो राशि पैटर्न है वो सो से इतना मिलता जुलता है कि आप वैसे ही कह सकते हैं कि बिल्कुल मैंने कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है। यहां पर आप इसको राशि से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आशितानो तेंकी का योकुनाई राशि देस। कोचोगा क्यों जुग्योनी कुरु राशि देस। और फाइनली जो काशिरा पैटर्न है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, काशिरा जो पैटर्न है वो ज्यादातर डाउट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए आता है, और वो फीमेल बोलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, फीमेल बोलती है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं समराइज करना चाहता हूँ, जितनी भी मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं N5 से लेकर N1 तक की, उन सब में एक ही बात मैं बार बार बताता हूं कि जिस चीज पर ज्यादा टाइम लगाना है वो है दोकाई और चोकाई, उसी के थ्रू वोकैबुलरी और ये जैसे यो और सो पैटर्न्स है उनको सीखिए, और जिस पर कम टाइम लगाना है, जिस पर उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, यो सो राशि काशिरा आगे और भी पैटर्न्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है,
इन चीजों के ऊपर कम टाइम लगाना है। सो आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि एक बार अगर हमने एक दोकाई सीखी है तो उसके अंदर भी ये तीन बार आया है या चार बार आया है, तो वहीं से एक ही दोकाई को अगर आप चार बार करते हो तो वो पैटर्न्स हमेशा के लिए आपको याद हो गए। फ्रेंड्स, इसी तरह से टेक्निक से JLPT पास होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत 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 करने से पास नहीं होता है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।